इधर आ चुके थे यार, हैकर साहब आ चुके थे, और इधर सब है उसके पास, मैं पेड़ जल्दी है वो जल्दी सब है। से मैं देखा मेरे दो उसको, वो बंदे सिटी लॉक से हो गए भागते थे, मैंने आया रिकॉर्ड ऑन कर दिया। वो सिटी से ये उसके सिटी बाद में मैं भागते भागने क्या है। लगी, कोई भी मतलब मेरा दिमाग में कुछ नहीं था, मैं भागने लगी। इसके पहले वाले मैच में भी हैकर आए थे, मुझे नहीं लगा था दूसरे वाले मैच में भी हैकर ही आएगा, फिर भी मैं भागने लगी भागने लगी। उसके बाद मैंने डीपी निकाला, मैंने मारो माइक उसको, ऑन करा, पूछा कहाँ है बंदे, मार फोन के से बता दे साइक फू को, कर तो दिया, मैं फायर ऑन ही किया। और देखो बेस्ट आईजल हो गया भाई हमारे साहब कितना जल्दी में मेरे को नॉक कर दिया, मतलब के। क्यों। उसके बाद जब मैं उसका प्रोफाइल खोला, आपका उसका केडी तो देखो, मैंने गलती से उसका प्रोफाइल चेक कर करते उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। उसके बाद मेरा फ्रेंड जैसे चिल्लाने लगे यार उसके ऊपर, और उसको थोड़ी ना कुछ फिक्र है। मैं जल्दी जल्दी से उसको सब कुछ देख के रिपोर्ट कर दिया उसको, इतना गुस्सा आया मेरे को, इतना गुस्सा आया यार क्या बताऊँ। वो उसका नहीं बनाता स्पीड तो तेरे को देखो, भाई, एक मैच में 27 का केटी, भाई क्यों क्यों करते हो फ्रेंड ऐसा बना तो गाली देने का उसको लॉबी में जाके। यार, हर मैच में ऐसे हैकर आ रहे हैं, और ये कॉन्करर का बंदा है ना, इसका रैंक पुश करवा रहे हैं। पिछले सीजन में पूरी भी, इस स्क्वाड सीजन कहाँ 9 में गया? कॉन्करर था, शायद 10 में नहीं कर पाया, शायद इस सीजन में वो हैक करके कॉन्करर जाना चाहता है फिर से। और ये इसका सपोर्टर है, उसका फ्रेंड जो सपोर्ट कर रहा है, और इसके साथ जो दो बंदे हैं ना वो कतई ज़्यादा नूब्स मैं है। तो देख के ही ये बोला तो उसको, वो हैकर सिटी से है, भाग के आ रहा और जो था। दो बंदे वो इसका नौकर है, और जो कॉन्करर का बंदा है वो थोड़ा बहुत खेल लेता है, और इसको मतलब कॉन्करर पजवाने के लिए उसका फ्रेंड सपोर्ट कर रहा है। और इसका मारने का स्टाइल देखना, आगे चल के देखो, सबको ऐसे मारेगा, मैंने मतलब कह रहा क्या भाई ये गेम बताऊँ, ही नहीं, मतलब इसका पूतिया स्पीड गेम देखो, भाई गाड़ी का कोई ज़रूरत ही नहीं है, पैदल ही यार। पूरा रास्ता ये मतलब तय कर रहा है। हद हो गई यार, पबजी कब बैन कर पाओगे ऐसे नुबड़ों को, क्यों कर रहे हो ऐसा। अरे यार हम लोग खेलते इतना, मतलब यार फोर फिंगर क्लॉ लगा लिए, जायरो वगैरह लगा लिए, गेम प्ले चेंज करना चाहते हैं, अच्छा खेलना चाहते हैं, ऐसे नूबड़े आते हैं फर्स्ट में, हर हर एक मैच में ऐसे हैकर आते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे भाई। हाँ जॉर्जियापुर में फर्स्ट में एक बंदा मारा, उसके बाद हैकर आके मार दे, देखो इसका स्प्रे देखो, एम4 में एक गोली लगा, भाई एम4 ESP स्पीड है, उड़ने वाला है, सब कुछ लगा दिया। मैंने हॉल पे बहुत बार चिल्लाया, किसी ने नहीं बोला। मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मेरा फ़ोन का जो रिकॉर्ड है ना उससे, तो उस पर ना साउंड नहीं आता है मेरा, इसलिए मुझे इसमें दूसरा भाग गए थे गुस्सा होकर। मैंने बोला रुको यार मेरा साउंड नहीं आएगा, तुम ही बोल लोगे, पर नहीं रुका वो लोग। इधर देखना नुबड़े का करामत क्या बोलते, और मेरा फ्रेंड्स मुझे फ़ोन करने लग जाएंगे बाहर आने के लिए। मैंने बोला यार रुको यार, देखना है नुबड़ा कितने दूर तक कितना किल से क्या करने चाहता है। इधर आके नुबड़ा ऑफलाइन होता है या क्या, उड़ने वाला हैग लगाता है, शायद उड़ने वाला जो हैग है ना वो मतलब साधन ज़्यादा सस्ता है, पैसा कम दिया है इसलिए शायद अच्छे से उड़ नहीं सकता, पंछी नहीं बन सकता, इसलिए वो उड़ नहीं पा रहा है, खड़ा हुआ है। उसके नुबड़े बंदे सारे जा रहे हैं, और ये जो बंदा है ये तो मतलब खाली ज़्यादा मतलब प्रो है, पिपी करके हर जगह घुसता है नोब्स कहीं के। इसके बाद इसके करामत देखना, इसके जो प्रो बंदे हैं, अगर ये हैकर नहीं जाते तो ये लोग नूबड़े कुछ नहीं कर पाते, वो जो पास में खड़ा हुआ है तो अखंड नूब है, अखंड ना। अभी देखो ये क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, ऐसे घुसा और नीचे गोली मार रहा है, जैसे इसके अंदर कोई है, और नीचे कूद गया। और क्या यार पबजी, इतना ही हम लोग रॉयल पास लेते हैं, क्रेड ओपनिंग करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, सब लोग इतना सारे पैसा खर्च करते हैं, हैकर को तो बैन करो यार, क्यों। इसके अच्छा हम लोग कॉल ऑफ ड्यूटी खेल ले, हैकर ही हैकर आ रहे हैं, मूड ही खराब होता है मेरा। इसके बाद देखो मेरा फ्रेंड्स मुझे बुला रहे हैं बार बार, मैं बार बार फोन काट कर रही हूँ। इसके बाद और क्या, नुबड़ों ने सारे टीम्स ख़त्म कर दिए। इसका मेन पॉइंट क्या होता है ना, फास्ट में ऐसे बंदे मार देते हैं सारे, मतलब आधे लॉबी खाली कर देते हैं, उसके बाद वेट करते हैं
पोचिंग की में जाके मिडिल को भी पोजीशन पे जाके वेट करते, मैंने लास्ट में देखा पोचिंग की में जाके वेट कर रहे थे, तो कोई भी पोजीशन पे जाके वेट करते हैं। और थोड़ा टाइम के बाद जब लास्ट सर्कल रहता है या तीसरा सर्कल जो भी बताओ, उस सर्कल में जाके थोड़ा बहुत जो बच्चे कुछ बंदे होते हैं उनको ख़त्म करके चिकन लेते हैं। मिडिल में क्यों होल्ड करते हैं पता नहीं, शायद ज़्यादा लोग रिपोर्ट ना करें इस वजह से, या क्या मतलब शायद ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करने के लिए पॉइंट मिलता है इस वजह से, या क्या पता नहीं, पर लास्ट में जाके ऐसा सो जाता है घर में पोचिंगे में। और इसका चारों बंदे इसके साथ ऐसे मुक्का मुक्का ही करते रहते हैं, करता रहता है। उसके बाद 10 मिनट बाद बंदा उठ के फिर से मारने लग जाता है। अभी पोचिंगे में तो एक स्क्वाड, उसके बाद लास्ट में दो स्क्वाड आएगा उसको भी मारेगा। यार उनके लिए मेरे को बहुत ही ख़राब लगेगा, वो अच्छे प्लेयर्स थे, मतलब लॉबी में पहले उनका नाम था नाम का शायद एक बंदा था, उसको मारेगा, मतलब सबको ही मारेगा इस पर शायद। लास्ट में इसका 24 या 25 किल रहेगा। यो भाई क्या नोट्स बंदे, उसका सारे शॉट्स एक तो हेड शॉट, हेड शॉट के अलावा ये कोई मतलब मार ही नहीं सकता, इसका तो मतलब हेड पे ही एम बैठता है हमेशा। इसके बाद देखना पोचिंग में जाके घर में जाके बब्बू तक तो पक जाएगा नूब्स कहीं के। क्या यार क्या मूड खराब करते, क्यों आते हैं खेलने, इसी घर में जाके नुबड़े सो जाएंगे, मतलब क्या नूब है, क्यों खेलने आते क्यों। मैं सारे बंदे को ऐसे दिखा रही हूँ, सारे बंदे को, जो कॉम कलर का नुबड़ा है ना इसका ही रैंक कुछ चल रहा है। एक मैच में 27 का केडी भाई क्या है, क्यों है इसको, देखो सब कुछ हाइड कर रखा है नूबड़े कहीं को, इसको अकाउंट, इसका अकाउंट बैन करा, जो नूबड़ा कॉन्करर का प्लेयर है कॉन्करर चला जाएगा इसका नूबड़ा, पहले से सीजन का पहले से ये पुश करना चालू कर दिया। इस बार भी देख लेना नूबड़ा इसके साथ, अगर इसका आईडी बैन ना हुआ तो इसके साथ ही कॉन्करर जाएगा, नूबड़े का प्लान ही ऐसा है। और एक बंदा दिख गया, पता चल गया घर में सोने गए थे, मार के फिर से सो जाएगा और कोई नहीं आएगा, अभी आप फाइट ही नहीं लेगा, पोचिंग की में सोया रहेगा। बाकी देख सकते हो 25 बंदे बचे हुए हैं, 15 किल कर लिए, अभी ये तो सोया इधर ही सो जाएगा। हमने बहुत बार चिल्लाया कोई है तो इसको रिपोर्ट करो, कुछ तो करो, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है यार, बंदे भी ऑल में जो है यार इसको पता नहीं चल रहा हैकर मार रहा है यार, बंदे भी थक गए हैं चिल्ला चिल्ला के, हैकर हैकर बोल बोल के रिपोर्ट कर। पबजी अब तो समझा करो यार, क्यों करते हो ऐसा, बंदे भी समझ गए यार हैकर है, बार बार रिपोर्ट कर करके फ़ायदा नहीं है, इसलिए चला के दूसरा मैच लगाने चले। अब मैं भी चली जाती, मुझे लगा यार इस नूबड़े को इसका अकाउंट बैन होना चाहिए, कॉन्करर का जो नूबड़ा है ना जो इस सीजन में भी कॉन्करर पुश कर रहा है उसका अकाउंट बैन होना चाहिए, इसलिए मैं गेम रिपोर्ट कर रहा था। बाकी यार मुझे ना बहुत खराब लगता है, मैं इतना चिल्लाया मेरा साउंड नहीं आया, मेरे टीममेट्स का फिर भी साउंड शायद आ रहा था, आपको मुझे देखना पड़ेगा साउंड आ रहा था उसके बाद उन लोगों का साउंड आता या नहीं, मैं लास्ट में एडिटिंग करने के बाद देखूँगी। बाकी यार आप ही बताओ यार, ऐसे पबजी खेलेंगे हम, ऐसे कैसे खेलेंगे। देखो नूबड़ों का ये जो नूबड़ा है ना इसका लास्ट तक 0 किल रहेगा, ये जो कॉन्करर का नूबड़ा और ये जो 4 नंबर और जो नूबड़ा कॉन्करर का, ये दोनों का किल रहेगा, बाकी ये दोनों तो जस्ट मतलब इन लोगों का ऐसे काम करते हैं, और ये हमेशा एपी में दौड़ता रहता है, खुद को ज़्यादा ही प्रो समझता है नूब्स कहीं के। देखो अभी नूबड़ा ऑनलाइन तो था, सोया हुआ था, अभी चल पड़ा, क्यों अभी तो 20 देख रहे हो, पंडा बंदे तो मार दिए, अभी कुछ ही बची कुछ ही बंदे हैं उनको मार के जल्दी से इनको चिकन खाना है ना नूबड़े कहीं के। अभी देखना दो स्क्वाड को ख़त्म करेगा नूबड़ा, और इसको इधर बंदा दिख गया, इधर फाइट जो हो रहा था इधर से चुराना चाहेगा, इधर दो स्क्वाड का फाइट हो रहा था पर क्यों चुरा नहीं पाया यार, क्यों यार इनको देखना है। दो स्क्वाड आएंगे शायद, दो गाड़ी में आएंगे, दो स्क्वाड या स्क्वाड पता नहीं, अभी दो गाड़ी में आएंगे, दोनों को ए ही लिपटाएंगे, इसका फ्रेंड्स पीछे से आएंगे जैसे ज़्यादा ही प्रो है, गाड़ी लेके आएंगे और बंदे को भी यार
अच्छे खेलते हो यार, इसको रिपोर्ट करो, आपको तो पता चल रहा है क्या करे। बंदी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है और कुछ बोल ही नहीं रहा है। साउंड आ रहा है, मैंने रिकॉर्ड ऑन कर रखा था शायद इसलिए मेरे को साउंड नहीं आ रहा था, पता नहीं किस वजह से हो सकता है, क्योंकि मैं बंदी इतने ज़्यादा लोग नहीं थी शायद मैंने रिकॉर्ड ऑन करा था इसलिए शायद मेरे को साउंड नहीं आ रहा था, बाकी ऑल भाई बहुत फुल स्क्वाड खत्म करते हुए और एक स्क्वाड बचे हुए है। और ये लोग ना मतलब मतलब ये नॉक करते जाएंगे और दो बंदे के मन मारने का, जैसे उसका किल निकल जाए, उसका रैंक जल्दी से पुश हो जाए, पॉइंट भी मिले, चिकन भी मिले, ग्रेवी भी बना रहे। और इस स्क्वाड का जो लास्ट वाला बंदा बंदा को ना ये नहीं मारना, मारना ही नहीं चाहता था, मतलब पेड़ के पीछे है फिर भी नहीं मार रहा था। और इसका ना गोली ना बॉडी पे नहीं लगता, मतलब एम करके भी अगर मुंडी भी दिखाए ना तो फिर भी उसका मुंडी पे नहीं लगता, मतलब मुंडी पे नहीं बॉडी पे नहीं लगता, मुंडी पे ही लगता है। और इसको ना क्लोज रेंज में अगर चारों बंदे पकड़े ना ये हैकर को इजीली मार सकते, जैसे ये पेड़ के पीछे एक बंदा है इसको ये मारेगा नहीं, खड़ा ही रहेगा, उसके सामने जाके मारने का औकात नहीं, घूमे जा रहा है, गोली नहीं मार रहा, अपना बंदे को मारने के लिए बोल रहा है। उसके बाद उसके बंदे तो कुछ काम का नहीं है, निठल ले है, ये हेडशॉट से लास्ट वाला बंदे को मारता है। इस नोबड़े कॉन्करर प्लेयर को मारो, इसको इसको रिपोर्ट करो, मुझे नहीं पता कैसे इसका अकाउंट बैन होना चाहिए, मेरे को नहीं पता कैसे यार, प्लीज़ तुम लोग पबजी में इतना पैसा कैसे चलेगा, ये सब हैकर को तो बैन करना ही पड़ेगा यार, क्यों यार हम लोग यार इतना मतलब इतना क्या यार, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है। इसका गेम देखो, इसका गेम देखो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बंदे मारने से, सामने जाओ घूम के आओ मारो, इस वाले बंदे कोई मार ही नहीं सकता। अभी देखना एक बंदा इस खिड़की से पिघलेगा, इसको मारने के लिए इसका मतलब ये मार ही नहीं पाया, मतलब कितना नुबड़ा बंदा है ये, जो खिड़की से जो बंदा ताकेगा ना इसको इजीली कोई भी मार सकता है, पर ये हैकर नुबड़ा नहीं मार पाया, इसको नहीं मार सकता पर नहीं मारेगा, क्यों अपने बंदे को किल दिलाएगा, ये तो इसका तो इजी हेडशॉट पड़ेगा, क्यों नहीं मारा, इसका तो गोली जिधर भी जाए हेडशॉट ही पड़ेगा, पर नहीं अपना कॉन्करर का नुबड़ा को किल दिलाना है ना। और ये जो नुबड़ा है ग्रेनेड कैसे दिखा देगा, आगे बड़ा बाहर कतई दो नंबर चूथिए नुबड़े, मतलब इतना नुबड़ा। और इनका जो दो बंदा मर गए नॉकआउट करके रिवाइव देते, क्या करेंगे बंदे, सोच रहा है रिवाइव दी दे दे। और इसका जो नुबड़ा कॉन्करर का एक नंबर नुबड़ा प्लेयर है, ग्रेनेड से मतलब ख़त्म करते, ज़्यादा ही प्रो समझता है खुद को, और इनको बैन करवाओ, इस नुबड़े को गेम से हटाओ, हैकर को हटाओ पबजी, नहीं तो हम लोग पबजी खेलना छोड़ देंगे, मुझे पता नहीं कौन छोड़ेगा, मैं छोड़ दूंगी, मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेल लूँगी, मैं फ्री फायर खेल लूँगी यार, पबजी नहीं खेलना, हैकर लैक्स वगैरह वगैरह, मुझे फ्री फायर पसंद नहीं, मैंने खेला था फ्री फायर का गेम, उतना अच्छा नहीं लगा, पर यार फ्री फायर में हैकर तो देखने को नहीं मिल रहा है, कॉल ऑफ ड्यूटी में हैकर तो देखने को नहीं मिल रहा, मुझे पता नहीं ज़्यादा, पर मुझे हैकर नहीं मिला मैंने जो इतनी बार खेला। पर पबजी में यार मैंने पहले सीजन में लोग बस गेम प्ले खेलते हैं, केडी मेंटेन करते हैं, 2-3 का केडी करना है, टारगेट रखते हैं यार, 2-3 मैच में लगातार अगर हैकर आए तो हम लोग क्या करेंगे, 25 किल कर लिया है नुबड़े ने, लास्ट में इन लोगों का एक ही बंदा बचा है, इनका जो तीन नुबड़े बंदे हैं ना वो एक बंदे को नहीं मार पाएगा, लास्ट में हैकर ही जाके मारेंगे, मतलब इतना ज़्यादा तुच्छे नुबड़े बंदे हैं। अभी देखना मतलब क्यों, मैंने तो इसको रिपोर्ट करा पर इसका आईडी तो बैन नहीं होगा ना, पता नहीं यार नया आईडी है इसका, ये तो पता है इसका आईडी नया है, बिल्कुल नया है, ड्रेस वगैरह देख पहले की तरह तो देखने का सीन नहीं है ना, पहले हम लोग देख सकते थे बंदे का आईडी कितने दिनों का है, हेडशॉट परसेंटेज वगैरह वगैरह, अभी तो सब खत्म करते हैं। और देखो चिकन ले लिए नूबड़े ने, चिकन ले लिए नूबड़े ने, देखो हमारा टीम, हमने एक को मारा था, हमारे बंदे ने एक को मारा था, बस हम लोग ख़त्म हो गए, बस ये है हमारा पबजी, हैकरों का टोली आते हैं मार के जाते हैं हमें, हम तो नूबड़े बैठे हैं ना इधर।